वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकार किया है कि आंध्र के पोलावरम बांध से कोंटा मुख्यालय समेत 9 गांव डूबेंगे, जिसमें करीब 18,510 नागरिकों की रिहाइश प्रभावित होगी। सदन में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने माना कि प्रभावित इलाकों के अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है, लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। दरअसल कोंटा विधायक रेणु जोगी ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से आंध्र में निर्माणाधीन पोलावरम बांध से बस्तर के प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्रों की जानकारी मांगी थी, जिसका जवाब दिया गया है। 9 गांव के बारे में उत्तर में स्पष्ट है, कोंटा, वेंकटपुरम, ढोंडरा, फंदीगुड़ा, इंजराम, असीरगुड़ा, पेदा की सोली, मेटागुड़ा और बंजामगुड़ा, ये टोटल डुबान का जो कुल योग है, लगभग इसमें निजी भूमि आएगा 459 हेक्टेयर, वन भूमि आएगा 88.51 हेक्टेयर, शासकीय भूमि 842 हेक्टेयर और कुल डुबान 1390.14 हेक्टेयर। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ की भूमि है जो डुबान में आएगी।